अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, इफ्तार के बाद आपके साथ और हमारे साथ हैं शेफ मुनीजा बरकत उसमें। कैसे चल रहे हैं रोजे, बताएं? रोजे बस ठीक ही चल रहे हैं, यहाँ के थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं ना। हाँ अच्छा ये बताइए, आपको पता है हमारा कौमी सवाल क्या है? क्या मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और इसका कौमी जवाब क्या है? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो नंबर है। अच्छा लोग जानबूझ के बताते नहीं उनको नंबर कहाँ से मिला, ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्यों? आप इसका जवाब सर साहब बताएंगे इसका। शबनीता कभी आपका एक नंबर लीक हुआ है? बहुत दफा हुआ है। सही बताएं? हाँ। बिल्कुल। ये मुझे नहीं समझ नहीं आता इंस्टा पे लोग नंबर कहाँ से निकाल के मेरे पास मैसेज करते कि हमने आपका नंबर इंस्टा से लिया। मैंने कहा इंस्टा पे मैंने कोई डाला हुआ है नंबर, कहाँ से आ गया आपके पास नंबर? लेकिन फिर सवाल क्या करता है? आपका नंबर तो मैंने दीवारों पे भी पढ़ा, जुनेद बंगाली नीचे आपका नंबर होता है। नहीं 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 नहीं, माई बंगालन है? माई बंगालन, मैं यही पूछना चाह रहा था सर। अच्छा तो मैंने बता दिया ना। अच्छा ये बात सच है, शादीशुदा सर भाई, शादीशुदा आदमी का कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, उनका बस वाइफ स्टाइल होता है। हाँ, ये होना भी यही चाहिए जो बीवी ने बोल दिया। बिल्कुल सही, होना भी यही चाहिए। शुरू में हेयर स्टाइल होता है, बाद में ऐसा स्टाइल होता है। अब ये तो आपकी बेगम जवाब दे सकती है। हाँ। तो आप भी किसी की बेगम है, आप भी? मेरे मियां के तो पूरे बाल है ना। अच्छा अब आपकी बेगम, आपके हाथ में आ जाते हैं उनके बाल? बिल्कुल बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे काम ना, वो ऐसे काम करते हैं कि मुझे हाथ में लेने पड़े ना, मैं ऐसे काम करती हूँ कि उनके हाथ में। तो फिर वो आर्टिस्ट अच्छे हैं, मतलब परफॉर्मर अच्छे हैं। हाँ। अच्छा वैसे एक बात है, गंजा आदमी ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे। कितने पते की बात है वैसे। हैं? अच्छा मैंने देखा है सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की दो दिन हंसकर बात कर ले ना, तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो काले जाते हैं। ये बात तो है यार, ये बात मैंने देखा था, उसमें भाई के उस दिन सफेद बाल हो रहे थे, दो दिन बाद तीसरे दिन काले हुए, ये क्या बात है? ये फाइबर डाला हुआ इसलिए काले लग रहे हैं। सच बोल रहे आप, रमजान में महीने में सच क्या मतलब, आपकी तरह कोई ऐसी रेसिपी बता के मैं तारीफें थोड़ी करवाऊंगा। अच्छा आज कौन सी मुश्किल रेसिपी बना रही है? आज की मुश्किल रेसिपी मुश्किल अच्छी बात, आज की मुश्किल रेसिपी है डेट शेक, यानी खजूर का शेक। डेट क्या? डेट शेक, ये तो मुंह पे नहीं आ रहा, डेट शेक क्या? खजूर का शेक बस। ठीक है वो तो मुझे पता है कि डेट खजूर को कहते हैं, आपके घर में कुछ और चल रहा है? नहीं आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे दिमाग में तो खजूर ही चल रही थी। ये देखें ठीक है, अच्छा रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। डेट शेक के लिए आपने क्या करना है, सिंपल खजूर, क्योंकि रमजान का महीना आपको एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हमारा ये कहना है कि ये ड्रिंक्स ऐसे होते हैं कि आप अपना डिनर जो है वो स्किप कर दें, ये पी लें, क्योंकि इस टाइम पे हम आते हैं आपके साथ, आप हमारे साथ ये बना के बैठें, इंजॉय करें हमारे साथ, और डिनर स्किप करके डायरेक्ट सहरी करें। ये इतना फिलिंग है, इतना एनर्जेटिक है, आपको एनर्जी भी देगा, आपकी सेहत को भी अच्छा करेगा, और जो है आपको पी के भी मजा आएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इफ्तार के अंदर कभी काम पर होते हैं, ऑफिस के अंदर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शूट्स पे होते हैं, और वो इतना ज़्यादा उन्हें फ़ौरन रोज़ा खोलते ही काम शुरू करना होता है। बिल्कुल, तो आई थिंक बड़ी अच्छी एनर्जाइजिंग ड्रिंक है जो कि आप रोजा खोल के भी पी सकते हैं। पी सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा इसके लिए खजूरें चाहिए होती हैं इसके लिए? जी हाँ, डेट शेक के लिए हमें खजूरें चाहिए। तो आप तकरीबन, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम खजूरें ले लिया, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो आप उतना लीजिएगा। शुगर इसमें जो है ना वो कंपलसरी नहीं, क्योंकि खजूर अपने आप में बहुत मीठी होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू है मीठा लेने के, तो मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करी हूँ 1 लीटर दूध में। ठीक है, आई थिंक मत ना ही करें तो बेहतर है ना करूं। नहीं एक चम्मच, आधा आधा चम्मच, आधा का आधा कर ले शेफ, क्योंकि वो हाँ वैसे ही इतना मीठा है। और ये भी इन्होंने अच्छा बताया कि जो खजूरें होती हैं मीठी होती हैं, हम तो नमकीन खा रहे थे। ना करे कसमी। अच्छा इसके अंदर हम क्रीम शामिल करेंगे। ठीक है हाँ, मोइस भाई को चीनी मना है, तो मोइस भाई को हम ये दे आप, आप घर में बनाए शेविंग फोम शामिल करने ठीक है, हमने इसमें एक पैक क्रीम का शामिल करा, और इसके अंदर जा रहा है दूध। वाह वाह ये देखें जबरदस्त हो गया, और अब इसको हम करेंगे। वैसे दिल तो मेरा दो लोग और हैं जिनको ब्लेंड करने का चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ डेट शेक करेंगे। चलो हम तो इसमें आ जाएंगे, आपके लिए तो वॉशिंग मशीन मंगवानी पड़ेगी। बोले कह रहा हूँ आपके लिए तो बहुत आपके कुछ कह रहे थे आप वॉशिंग मशीन मंगवानी पड़ेगी आपके लिए। देखिए इसी तरीके से जिंदगी में जो लोग आपको तंग कर रहे हो उनको आप जूस ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। और ये कितनी मुश्किल से बनाया इसने अक्षर भाई। लेकिन इसमें बर्फ नहीं डाल रही आप? नहीं, नहीं, क्योंकि दूध ऑलरेडी ठंडा था। हम दोनों बैठे हुए ना तो
जो है हमारा मजेदार सा शेक जो है वो तैयार है, लेकिन मजा बड़ा आया उज़्मी भाई के साथ अभी। बहुत बहुत खुश रहो बस, खुश फैमिली में मत रहना। कोई बात नहीं, जो मैंने कर लिया था उसमें तो मुझे मजा आ गया, अब आप जो भी बोलते रहे। अच्छा बरकत भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग इफ्तार के अंदर हो और मेहमान आ जाए और घर पे कोई हो नहीं, खुद आपको इफ्तारी बनानी पड़ रही हो? ऐसा कभी हुआ नहीं, मेहमान को भी पता है कि ये जाना बेकार है, कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, मेहमान को पता होता है ये खुद दूसरों के आखिर में। अच्छा मैंने देखा, मैं बॉस से मेरे खानदान में उनको बच्चों से रिलेटेड होता है, मेहमानों के साथ आए हुए बच्चे जो है ना वो महबूबा के नखरों की तरह होते हैं, जो बर्दाश्त भी नहीं होते, बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, उधर से उधर पूरा घर उतल पुतल कर देते हैं। और कभी कभी ये भी होता है ना, आपके घर आपके कमरे में गए, कोई आपकी काम की चीज है, वो बच्चों ने ले ली, अब मना नहीं कर सकते, आप कहते हैं आप मुरव्वत में, कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं। उस वक्त तो यही प्रिटेंड करना पड़ता है ना, भले अंदर दिल में जल रहे हो, अल्लाह हमारी चीजें खराब करके जाएंगे ही है ना। और अक्सर ये होता है, मैं तो ये करती हूँ। आप बचपन में होंगी ऐसी शरारती, वैसे दूसरों की चीजें जाके खराब करती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके घर पे कभी भी नहीं आई। मेरे घर पे कहाँ आई, आइएगा भी नहीं, आना भी नहीं, मुझे आना भी नहीं। लेकिन नहीं, हाँ बचपन में शरारतें बहुत करी, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी की चीजों का नुकसान किया, लेकिन खेल सीधा पैसे निकाल लिए बाहर से खरीद ली, नहीं ऐसा भी नहीं किया अभी कभी। अच्छा हमारे यहाँ घरेलू इस्तेमाल किया, अगर कोई चीज खराब हो जाए ना तो तफ्तीश के लिए सबसे पहले उसे बुलाया जाता है जिसने आखिरी मर्तबा वो चीज इस्तेमाल की होती है। आ जाओ भाई, वो चीज तुम्हारे हाथ में थी, हाँ आखिरी बार तुम्हारे हाथ में थी, क्या हुआ, कहाँ गई, कहाँ गई, ऐसा हुआ है? आपके घर से चीजें गायब होती हैं कुछ? सर हस्बैंड गायब होते हैं। ये झाड़ू उठाती है, हस्बैंड गायब। अच्छा अच्छा, उनका बटन आपकी झाड़ू में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारा पता है मेरे घर के। अच्छा लास्ट टाइम, ईमानदार से बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रमजान का महीना, लास्ट टाइम आखिरी बार आपके हस्बैंड कब आपसे पिटे थे? हाँ, मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं पिटे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, अल्लाह ताला उनको नजरे बद से महफूज, मतलब बच जाते हैं वो, कभी मारा ही नहीं है मैंने उनको, इतने अच्छे हैं कि वो घर में हेलमेट पहन के घूमते हैं 24 घंटा। तो हमें हमेशा मुनीजा के हस्बैंड को लाइव कॉल पे लेना चाहिए। अरे हां बताए, क्या आप मुत्तफिक हैं? इनके हस्बैंड ना घर में जरा पहन के आते, जरा क्या वो क्या होता है, वो जो पुराने जमाने में फौजी नहीं पहनते थे जंगों में, वो लोहे का हेलमेट, लोहे का। ये ना उज़्मी भाई अपने घर की कहानियां सुना रहे कि ये क्या पहन के जाते हैं, और फिर एक बार बताए हेलमेट पहनने के बाद भी सर का ये हाल है? मैं तो जाते ही उसी टाइम मुझे सो चुकी होती है। लेकिन फिर भी बताए हेलमेट पहनने के बाद भी सर इसकी पीस को टांगों से मारती है, आज लेग पीस खा के आया हूं। बस हो, ये बेस्ट था, थैंक यू बरकत भाई, थैंक यू। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक खवातीनों हज़रात, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खजूर का शेक हमेशा गले में फंसता है थोड़ा सा। हाँ जब ये मुनीजा बनाए जब फंसेगा। हाँ इसकी नजरें भी रहती हैं। इसीलिए आपने आधा ग्लास तो पी लिया। अरे भाई मेहमान आ गए, उनके इंट्रोड्यूस भी कराना होता है। हमारे साथ आज दो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, और हैंडीक्राफ्ट के अंदर इनका बहुत नाम है, बहुत लोग जानते हैं। हमारे साथ हैं रमशा शाह साहिबा, और उनके साथ हैं नफीसा शहरियार साहिबा, और हमारे साथ हैं रमशा शाह जो है ये हेड ऑफ आर्ट एंड कल्चर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हेड हैं भाई अपने डिपार्टमेंट की, जबरदस्त। रमशा कब से आप ये काम कर रही हैं? मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, तकरीबन आधा घंटा हुआ है, डेढ़ घंटा, कितना कम टाइम हुआ है आपको? नहीं साल डेढ़ साल हुआ है, साल डेढ़ साल हुआ है। हाँ, लेकिन ये काम मैं हैप के प्लेटफॉर्म पे तो अभी कर रही हूँ, लेकिन वैसे मैं इसे करते हुए 30 साल हो गए। अच्छा 30 साल से कर रही है, ये सफर शुरू कैसे किया आपने? ये सफ़र बस ऐसे ही शुरू हो गया कि मैं अपने घर को बहुत डेकोरेट करती थी अपने हाथ से, अपने चीज़ों से, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि यार बाहर निकलो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो। तो बस फिर कुछ दोस्तों का साथ था, तो मैंने ये चीज़ें बना के एग्जीबिशन में रखी, और मुझे बहुत इसमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पहले तो ये काम मैं लोगों को मुफ्त करके देती थी कि भाई ठीक है, उसने कहा मेरा घर सजा दो, सजा दिया, उसने कहा मेरा घर डेकोरेट कर दो, कर दिया यारी दोस्ती में। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम है और उसमें बड़ी अच्छी अर्निंग है, तो बस फिर समझे उससे मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। जबरदस्त, और आप ये बाहर भी पाकिस्तान से बाहर भी भेज रहे होते हैं? जी जी,
अच्छा, आप एग्जीबिशन के अंदर मैंने हमेशा देखा है जितने भी एग्जीबिशन होते हैं आपका स्टॉल उसमें ज़रूर होता है। हाँ, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हूँ ना, तो हैंडीक्राफ्ट की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कदर है और हमारे यहाँ से ज़्यादा बाहर मुल्कों में बहुत कदर है। तो लोग हमारे काम को पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बस मुझे शौक है सिर्फ बनाने का, जो बाद में मेरा प्रोफेशनल बन गया। अच्छा, इतना खूबसूरत लग रहा है इस पर, इन्होंने अजरक के साथ इतनी सारी चीज़ें बनाई है। मेरे ख्याल से हम सिंध में रहते हैं और हमारी सकाफत है, सिंध की सकाफत है अजरक और इस तरह की चीज़ें, और ऐसी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं घर में अगर कहीं रखी हो। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कि इनकी चीज़ें बड़ी देती थी पहले। अच्छा जी, ये तो कह रही पहले मुफ्त, लेकिन अब नहीं देती ना। असर अब कमाना आ गया ना। हाँ, देखो और क्या जमाना आ गया। वाकई क्या जमाना आ गया, लोग कितना जलते हैं ना, ये तो आप देख ही लें। अच्छा, नफीसा हमारे साथ मौजूद है, नफीसा आपकी बहू है? जी मेरी बहू है। अरे वाह, और नफीसा भी आपके साथ ही काम कर रही है? हाँ, नफीसा भी सिंध से बिलोंग करती हैं और मैं भी सिंध से हूँ, तो जाहिर सी बात है, और मेरी भतीजी भी हैं, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। अच्छा, तो ये है कि ये मतलब मुझे काफ़ी हेल्प करती है एग्जीबिशंस में, काम में सारा खुद करती हूँ लेकिन एग्जीबिशन में मुझे अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है। इनके जो लोगोज होते हैं, ईमेल करना, फॉर्म ट्रांसफर करना, सारी चीजें, इनका जो बैक पेज मैनेजमेंट का जितना काम सारा मैं सब नफीसा देखती है। लेकिन जो डिजाइन है वो सब आपका आइडिया होता है? नहीं, वैसे यकीन करें मैं कुछ सोच के नहीं बनाती, बस बनाती हूँ तो कुछ बन जाता है। वाह, बस ऐसे ही। तो वो आप इतने दिल से इतने पैशन से बना रही होती हैं कि वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो ही जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना, मोहब्बत पे जब नाकाम हो तो इंसान कुछ बन जाता है। तो सही बात है। तो कब आपको नाकामी कब हुई? मुझे नाकामी जब हुई जब मेरी पोती जो थी उससे मैंने पाला, बड़ा किया माशाल्लाह से, उसे बहुत प्यार किया, लेकिन फिर उसे दुबई जाना पड़ा अपनी पेरेंट्स के साथ, तो मुझे बहुत अकेला फील हुआ। तो मैं अब रोज़ दुबई नहीं जा सकती थी, जाहिर सी बात है, तो मैंने क्या किया, अपना सारा दिल और दिमाग इसमें लगा लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। ये भी ना, हमारी नाकामी अलग होती है। तो ये आप इस बात को मानती है जो इश्क के मामले में जो अपना कहता है ना बुज़दिल होता है, है? जो इश्क के मामले में तो निकाह के मामले में ताकतवर हो जाता है या बुज़दिल हो जाता है, ऐसा होता है जो, या ये कह रहे जो इश्क की बातों में माहिर होता है वो निकाह के मामले में बड़ा बुज़दिल होता है, ये बात सच है? आप समझिएगा भी नहीं, छोड़ दें, आगे बात करें। नहीं, वैसे मोहब्बत में नाकामी भी मैं पूछना चाहता हूँ। मोहब्बत में जो नाकाम होते हैं या तो वो बन जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। इसका सिंपल जवाब ये है। लेकिन आप पोती के इश्क में हुई ना? जी, तो वो भी मोहब्बत ही थी। वो तो मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो किसी से। हमारा ध्यान कहीं और जा रहा था ना इनका भाई का। नहीं नहीं, आप वहाँ ना जाएं, वो तो उम्र हमारी गुजर गई। नहीं नहीं, उम्र कोई नहीं गुजरती, एक दिल जवान होना चाहिए। ये क्या भरमसा, ये क्या मोहब्बत के लिए क्या उम्र? मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है भाई। नहीं, एक्चुअल ऐसा होता है सर की मोहब्बत में ना स्टेजेस होते हैं, और मैं जिस स्टेज पे हूँ वहाँ मैं अपने बच्चों से, अपना पोता पोती, अपने नवासे से तो प्यार कर सकती हूँ, लेकिन अब इससे हटके प्यार करूँगी तो वो मुझ पर सूट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कि जब जिस मोहब्बत की हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो जब भी जिंदगी में हुई हो, जिससे भी हुई हो, इंसान उसी से करता रहे, उसी सोच में रहे, उन यादों से मोहब्बत करता रहे, तो मेरे ख्याल से जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, बहुत अच्छी गुजर जाती है। कभी कोई एक्टर कोई पसंद आया आपको कोई टीवी पे अपने जमाने में, कोई ऐसा अपने जमाने में? क्या वो क्या डायनासोर के नहीं, उन्होंने यार अभी तो बिल्कुल यंग है वो, उन्होंने तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया ना, मैं उसके बात कर रही हूं। मतलब क्या डायनासोर आया था उसके थोड़ी देर बाद ही आई थी ये? क्या आपने इतना स्ट्रेस दिया अपने जमाने में? कोई मैडम पूछना चाह रही है आपकी फेवरेट हीरोइन, हीरो? हां, हीरो, हीरो स्पेशल हीरो, हीरो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मुझे काम करने में, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स थी ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं टीवी मीडिया की तरफ जाती। नहीं नहीं, बस मैं काम करती रही और काम करती करती। एक तो होगा, ऐसे नहीं हो सकते कोई भी। मुझे ना फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे बहुत कल्चर लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, तहजीब और तमद्दुन से भरपूर। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के ड्रामों के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब हम थक के टीवी के आगे बैठते हैं ना, सॉरी टू से इफ यू डोंट माइंड, मतलब कोई लोग मेरी बात बुरा ना समझिएगा, लेकिन उसमें सिर्फ सियासतें होती हैं, टेंशन होती है, सियासत होती है, जासूसी होती है। आप ड्रामों की बात करिए, यहाँ तो असल जिंदगी में इतनी सियासतें होती हैं और टेंशन होती है, टेंशन होती है। तो आज के ड्रामे ना बंदे को ना रिलैक्स नहीं करते बिल्कुल। और पहले हमारे जो थोड़े ड्रामे थे,
बल्कि मैं अपने हवाले से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी टीवी मीडिया को कि यार जब हम सारे दिन मेहनत करके टीवी के आगे बैठते हैं ना एक घंटे के लिए, तो हमें ना थोड़े फैंटेसी, थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया, थोड़ा सा हंसी मजाक चाहिए। फील गुड प्लेस जो या 100% कि हम ना थोड़े से अपनी टेंशनों से बाहर निकले। अब घर में भी वही टेंशन, ड्रामे में भी वही टेंशन, तो फिर मैं तो ड्रामे देखने छोड़ दिए ऑनेस्ट। जो बीवी अपने शौहर की सारी गलतियों को माफ कर देती है ऐसी बीवी सिर्फ ड्रामे की आखिरी एपिसोड में ही पाई जाती है। नहीं, मेरा ख्याल है तो अच्छा ही है दुनिया में, लेकिन वैसे ज्यादातर बीवियां माफ नहीं करती है। नहीं करती, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, याद रखती हैं, याद रखती हैं, दिल में रखती हैं, नहीं ज़बान पे भी ले आती हैं। यहाँ हमारी चिटचैट चलती रहेगी, हंसना मुस्कुराना भी चलता रहेगा, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हम आज बात कर रहे हैं रमशा और नफीसा से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम करती हैं। बेहतरीन काम किया हुआ है अजरक के ऊपर, जो ये शीशे का काम है, इसमें कपड़े भी हैं, ट्रेस भी हैं, बैग्स भी हैं। मुझे एक बात बताएं, ये आइडियाज़ कहाँ से लाती हैं आप? मैंने जैसे कि कहा ना आपको कि आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं। जैसे कि प्लेट टूट गई, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा उसे फेंकने को कि ये अच्छे मेरा डिनर सेट की प्लेट है, तो मैंने उस फिर मैंने सोचा कि मैं इसको इस्तेमाल में ले आती हूँ। तो मैंने इस पर अजरक का हैंडीक्राफ्ट किया, सितारे लगाए, बेलशेल लगाई और उसको मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया। तो अगर कोई बाय करेगा वो अंदर से खोल के देगा तो टूटी हुई प्लेट निकलेगी। नहीं, वो कवर उड़ती है पीछे से, मतलब, लेकिन हाँ वेट से पता चल जाता है। ये देखिए क्या बात कर रही है यार, जब ये कोई खरीदेगा वो उसमें सालन डाल के खाएगा, सजाएगा ना उसको एज अ डेकोरेशन। मैं और ये तो आपको आइडिया दे रही है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मतलब हमारी कोई चीज वेस्टेज नहीं है, आप उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं कहती हूँ रिसाइकलिंग बड़ा अच्छा एक प्रोसेस है जी। और मुझे बात बताएं रमशा, यूजुअली ये भी होता है ना कि जब आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता वो काम करने का भी, जिससे बहुत ज्यादा दिल हो रहा होता है। नहीं, बाज़ वक़्त तो मजबूरी में करना पड़ता है, जब काम हमारा प्रोफेशन हो जाए ना तब हमें मजबूरी में करना पड़ता है सर। इसलिए कि मैं अभी दो दिन हुए मेरे ख्याल से, मैं कल दोपहर को आई बिलू फेयर करके मुल्तान से। अरे माशाल्लाह, तो वो माशाल्लाह अच्छी रही। उसके बाद मेरे पास ये दो दिन है और 3-4-5 को माइक रांची एक्सपो सेंटर में। अरे वाह, तो अब मेरा वहाँ इतनी कटिंग हो गई थी खैर से सिंध कल्चर को लेके कि मुझे अब मतलब सोते में भी ख्याल आ रहा था कि मैं अपना काम कैसे पूरा करूं वापस। मतलब मुझे, मैं सुबह नमाज पढ़ के बैठ गई काम करने। कोई हेल्पर है आपके पास? नहीं, खुद ही करती। सोते में कौन हेल्पर, खुद ही बनाती हूं। नहीं, अच्छा वैसे कह रही, मैं ही करती हूं सारा काम, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे नहीं है। मेरे ये बेटा और बहू मेरे साथ हैं, एक मेरा बेटा बहू दुबई में है, तो आप छोटी सी फैमिली, एक बेटी की शादी हो गई। अब तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब करे। जहाँ जो चीज़ रखी है और जो काम मैं जहाँ छोड़ती हूँ वो वहीं से मिलता है, वहीं से दोबारा शुरू करती हूँ। और कोई अगर सीखना चाहे आपसे, जैसे आके इस तरह की चीजें, मोस्ट वेलकम, तो आप ट्रेनिंग देंगी? जरूर जरूर, और विदाउट ऑफ कॉस्ट। नहीं, बिल्कुल, आप पहले तमीज सीखें, आप पहले आपने सीखना क्या है, आपने उठा उठा के लेकर आना है। सीखी सिखाई आप, सीखी सिखाई आप, माशाल्लाह यार। देखिए, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, और इस तरह की चीजों में ना अच्छी बात। या अल्लाह, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। आप फंसेंगे, आप फंसने वाली हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। अच्छा मैम, आप हैं कहाँ से, सिंध में कहाँ से आप? सर मैं सिंध में सखर से। सखर से? मैं खैरपुर से हूँ। ये वो सिंगापुर से। अच्छा जी जनाब, हम यहाँ पे रमजान नाइट शो करें, लेकिन यहाँ क्या क्या डिस्कस हो रहा है, क्या कह सकते हैं? बहरहाल आप बताएं अपने काम के बारे में। वो बीच में क्या है, स्पून स्टैंड है? नहीं, एक्चुअल नहीं, ये मेरे एक पूरा कप का सेट था। हाँ। पर थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो मैंने इसका आइडिया नहीं निकाला कि इसके ऊपर मैं कैंडल रख के, है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो मोम गिरेगा तो वो प्लेट पे होगा, हम साफ कर सकते हैं हमारी चीजें। और नीचे जो कप है वो एज अ स्टैंड आ गया। या एज अ स्टैंड, वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मैम,
जी ये बहुत तारीफें करेंगी, तारीफों में मत जाइएगा, आखिर में मांग लेती हैं कार्ड तो दे देंगे। नहीं तो दे देंगे, कोई बात नहीं। आपकी चाल हमेशा उल्टी पड़ी। वैसे वैसे हम लोग गए थे डाची फेस्टिवल में और वहाँ पे रमशा मैडम का स्टॉल था, इन्होंने हमें इतने सारे गिफ्ट्स वैसे ही दे दिए थे। इसीलिए इस पर मुझे लेके नहीं गए थे उस दिन। आप पहुंच गए और आप अगले दिन पहुंच गए। मैं अगले दिन चली गई थी। अगर आपको याद हो तो आप थोड़ी देर के बाद आई थी। थोड़ी देर बाद आई थी। मैं नेक्स्ट डे आई थी और आपने मुझे वो मग दिया था और मैंने मग अपने ड्रेसिंग पे रखा है, उसमें सारे ब्रशेस डाल के बड़ा खूबसूरत इन्होंने अजरक लगी हुई वो रखा भी है वहाँ पे। आपके घर में आपकी अपनी कोई खरीदी हुई चीज रखी? आप देखिए तो किस्मत किस्मत की बात है। कह रहा सिर्फ हस्बैंड नहीं, वैसे भी ये सिंध की सकाफत है। हाँ। आप देखिए सिंध में जितने लोगों से मिलेंगे, ये सकाफत नहीं है कि लेते रहो दूसरों से। नहीं नहीं, सिंध की सकाफत देते हैं, दो हम देते हैं, दो मेहमानी करो, हम देते हैं। सकाफत है, मेहमान नवाजी। आप चले जाएं किसी के घर में भी, सर आपको वो बगैर खाना खाए नहीं उठने देंगे। ये बात, ये हमारे कल्चर, हमारी तबीयत, हमारी तरबियत में। इनके घर को फॉरेन सैलानी ले जाती है। अच्छा आप ये भी समझे, ये भी मेरा घर है जहाँ आप जब आते हैं मैं आपको रोज कुछ ना कुछ पिलाती हूँ। अच्छी बात, ये देखिए ये मेहमान नवाजी। नहीं नहीं, ये तो आपकी मजबूरी है। रमशा साहब, ये इसकी प्राइस रेंज क्या क्या है? सर प्राइस बहुत लो है, बहुत लो। जैसे बीपी होता है? नहीं, बीपी से भी लो है सर ये। जैसे कि ये प्लेट है ओनली 1000 की। ठीक है। और वो जैसे वो बच्चों के लिए ये हमने टोकरी बनाई है, इसमें पेंसिल्स वगैरह बच्चे शॉप करें, फेंके नहीं कचरा घर में, इसे 500 की है। अच्छा। और ये सूट 2000 का है, मतलब इस तरह मेरी कॉस्ट बहुत आपको लो मिलेगी। 500 का मग है, 500 का डेकोरेशन है, क्योंकि मैं अपने चीज़ों को ना पब्लिक में इंट्रोड्यूस कराना ज़्यादा चाहती हूँ। तो जो लॉन की जोड़ों की प्राइस है ना, उसमें आपके 5 जोड़े आ जाएंगे। हाँ, उस एक जोड़े के प्राइस में आपके 5। और ये ज्यादा खूबसूरत है, है ना, और कलरफुल और बारीक काम हुआ हुआ है, खूबसूरत। अब ये तो आपकी मोहब्बत है, अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन वाकई से लोग मक्खन लगा रहे हैं, बहुत खरीदते हैं मेरे इसको। तकरीबन मुझे 5 से 6 महीने हो गए मैं एक ही आर्टिकल को सेल कर रही हूँ। आपने सर, आप जब डाची में आए थे तब भी मेरे पास यही कलेक्शन था, और अब माई कराची में भी मेरे पास यही कलेक्शन है, और ब्लू फेयर में भी यही था, तो उसको पता नहीं लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप बार बार उसको बनवाते जी रिपीट कर रहे हैं उसे हम, क्योंकि पब्लिक उसे पसंद कर रही है और प्राइस बहुत रिजनेबल है। अच्छा नफीसा, आप सारा मैनेज कर रही होती हैं, सारा काम मार्केटिंग इसकी कर रही होती हैं, आपके ख्याल से क्या वो वाले एस्पेक्ट्स हैं जो कि चेंज जिनकी ज़रूरत है इस बिज़नेस को लेके? आप क्या चाहती हैं, कौन सी और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएँ इसमें? मुझे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज होती है ना, तो मैं उनको आइडियाज़ देती हूँ। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मेरे होते हैं तकरीबन, कि आप ये चीज़ बनाएं। आप एग्जीबिशन है यहाँ पे, अब रमज़ान में एग्जीबिशन है तो वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा चलेगी, आप क्या वो चीज़ रखें। तो जो जो इवेंट होता है ना, उस हिसाब से मुझे पता होता है, मैं सर्च कर लेती हूँ फेसबुक से या इंस्टा। जैसे भी ईद आने वाली, तो ईद के तवज्जो से कोई खास चीज़ आप लोगों ने बनाई है? ड्रेसेस, आई थिंक ड्रेसेस बनाए हैं ईद के हवाले से, और वो हमारी डीएचए में 2-4 एग्जीबिशंस भी हैं। ठीक है। अभी बसंत हो रही है हमारी, वो उसमें भी मतलब वो ड्रेसेस हम करवाते हैं, और फिर स्पेशली मैं कुछ ऐसे आइटम लेके आई थी बाहर से जो मुझे ईद में ही इंट्रोड्यूस करवाने थे। अच्छा जी, तो उनमें से कुछ है यहाँ पे ऐसे आपके? नहीं मैम, वो मैं नहीं ला सकी क्योंकि मेरे पास टाइम शेड्यूल बहुत कम था। लेकिन इंशाल्लाह आपके किसी प्रोग्राम में मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा दुबई बहुत आना जाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ जो लोग अवेल करते हैं उन चीज़ों को, तो वो हमारे पाकिस्तानी भी अच्छी मुनासिब रकम में अवेल कर सकते। बिल्कुल सही, कितनी अच्छी बात है जी। अच्छा आप दुबई में भी एग्जीबिशन करती हैं? सर अभी तक मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह 6 महीने के बाद मैं शुरू कर दूँगी। इंटरनेशनल एग्जीबिशन जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वहाँ लोग बहुत पसंद करेंगे इस तरह की चीज़ें जी, कल्चर ड्रेसेस, इस तरह की चीज़ें वहाँ तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, और इतने रीजनेबल, क्योंकि धर्म में मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस जब मेरे प्राइस उनके पास जाएंगे तो इंशाल्लाह। खवातीन और रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रमशा शाह साहिबा से और नफीसा शहरियार से। एक बार फिर आपको बताता चलूं, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसका डिपार्टमेंट है आर्ट एंड कल्चर हैंडीक्राफ्ट, जिसकी हेड है रमशा शाह, हमारे साथ आज मौजूद हैं, और बड़ी खूबसूरत चीज़ें खुद अपने हाथों से बनाती हैं, बड़ा बारीक बड़ा नफीस काम है, और ये खूबसूरत सिंध की सकाफत को पूरे पाकिस्तान में दिखाती हैं, और बहुत जल्द अनकरी पूरी दुनिया में भी
इनका काम देखा जाएगा और सराहा जाएगा। इंस्टाग्राम और इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता है एग्जीबिशंस के बाद। अच्छा। लेकिन नफीसा थोड़ा सा कर लेती हैं, मैं नहीं कर पाती। कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आती है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं? सर, जैसे कि ये चमचे हैं ना, ये वुड के चमचे, ये मैं दुबई से लाई थी और मैंने इनको बनाया, तो लोग मतलब ऐसे भी ख़रीद के ले जाते हैं और मेरे पास इनकी और ये अजरक की बहुत डिमांड होती है माशाल्लाह से, कि लोग इससे ना अपनी किचन्स को और बाहर जो मुल्क जाते हैं ना लोग, क्योंकि ये लाइट वेट है तो वो लोग इसको बहुत खुशी से ले जाते हैं हैंड कैरी में रख के, कि ना हम ये गिफ्ट देंगे वहाँ जाके। तो ये जो कलरफुल सा है, ये इतना अपीलिंग नज़र आ रहा है कि अच्छा लग रहा है आँखों को, कि वो एक डेकोरेशन पीस के तौर पर अगर आप उसको यूज़ करें। बिल्कुल, कलर बहुत अच्छे। तो इसको आप सिर्फ किचन में ही नहीं, वहाँ से और जगहों में डाइनिंग पे लोग सेट करते हैं, डाइनिंग टेबल पे, किचन्स में, और जिस तरह लोगों को शौक होता है अपने किचन सेट करने का, इस तरह मेरे पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो वो लोग ले जाते हैं। रमशा साहब, आपने कभी सोचा नहीं कि कोई आउटलेट क्रिएट करें जहाँ पे कोई इस तरह की शॉप हो, जहाँ सारा आपका सामान हो, लोग जब चाहे आ सके वहाँ से ले सके? मैंने शायद आपको बताया था कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैंने हमेशा आउटलेट ही रखी है अपने सामान को लेके, जितना भी मेरा पहले थाईलैंड से आता था सामान, फिर वो चाइना आ गया बीच में, फिर वो मतलब इस तरह से मेरा हमेशा आउटलेट रहा है। तीन तीन चार चार शॉप्स थी मेरी यहाँ क्लिफ्टन के ऊपर, मेरी रिहाइश भी डी एच ए में है, तो हमेशा से रखा। बस अब इस वक्त मैं रखना नहीं चाहती, इस वक्त मैं चाहती हूँ मैं पीसफुल काम करूँ, क्योंकि आउटलेट पे मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर मैं एग्जीबिशन से हट जाऊँगी। थोड़ा मैं पब्लिक में रहना चाहती हूँ, लोगों में रहना चाहती हूँ, सोशल जी, कि लोग मेरे काम को बस पसंद भी करते हैं ना, चाहे खरीदें या ना खरीदें, तो आप बिलीव करें कि मैं मेरा बहुत खून बढ़ जाता है कि यार मेरे काम को इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपका काम है ही अच्छा, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम है। और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वैसे? मुश्किलात तो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत देखी, बहुत, आप समझ सकते हैं, डी एच ए में रह के एक सिंगल, आज तो मैं बहुत मैच्योर हूँ, उस वक्त मैं बहुत यंग थी, तो काम करना, लोगों से फाइट करना, बच्चों को संभालना, पढ़ाना लिखाना, मैंने अपने बच्चों से काम नहीं करवाया, मैंने कहा तुम एजुकेशन करो, पढ़ो लिखो आराम से, मैं हूँ सब संभालो। सिंगल मदर, ये कोई आसान जॉब नहीं है कि आपने बाहर फादर का जॉब भी आप कर रहे हो, मदर का भी, एक माँ एक औरत ही काम कर सकती है, एक आदमी कभी भी माँ नहीं बन सकता बाप के साथ साथ। वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे टीचर, क्या बात है। ये शेफ मुनीजा का जो फिलोसोफर जागता है ना अंदर से, मैंने ऐसे बाप देखे हैं जो बच्चों को भी संभालते हैं, बाहर भी काम करते हैं, ऐसे आदमी बहुत कम करते हैं, इस तरह होते हैं, आप देखें बहुत ज्यादा होती है जिनके अंदर एक कहते हैं ना एनर्जी होती है, एक विल होती है, वो कर रही होती है दोनों। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है, वाकई में मर्द हजरात बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों को फॉरन लाइफ पार्टनर की जरूरत हो जाती है कि कोई बच्चे संभाले हम कमा के लाएं, लेकिन औरत में अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि वो पका के रख के फ्रिज में जाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, अपना काम करती है, फिर वहां से गाड़ी उठाती है, बच्चों को घर छोड़ती है, मेट के हवाले करती है, फिर अपना काम संभालती है। क्या बात, तो अल्लाह ने ये सलाहियत अल्लाह ने दी है, एक्चुअली हमारे अंदर नहीं है ये, सबर भी अल्लाह ने औरत को ज्यादा दिया है। बिल्कुल है ना, सबर भी अल्लाह ने ज्यादा दिया, सबर औरत को दिया ज्यादा, करता मर्द है, औरत सबर भी करती है और काम भी करती है। और मैम कहते हैं कि सबर एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात, सबर करना चाहिए। अच्छा रमशा साहब, कोई ये जिस तरह भी शमुनिजा पूछ रही थी कि आप ट्रेनिंग, लोग अगर सीखना चाहते हैं ये काम, जी मोस्ट वेलकम, उसका क्या उनसे एक रुपया भी नहीं लूंगी और मैं अपने हुनर को घर घर पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह। बस मुझसे जिसको चाहे मेरा कॉन्टेक्ट सर से ले लें, आपसे ले लें, बिल्कुल मेरे पास जो भी मेरे इस फन से महसूस फैजियाब होना चाहता है, मोस्ट वेलकम, विदाउट पेमेंट। बहुत कम लोग इस तरह सिखाते हैं मेरे ख्याल से, वरना लोग अपना टैलेंट इस तरह स्प्रेड नहीं करते, वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे भारी भारी रकम, लेकिन जो है बहुत बड़ी बात है। जैसे आप चार्ज करती हैं कुकिंग क्लासेस का, इट्स माय प्रोफेशन, ओके, तो वो उनका वो क्या कर रही है, हॉबी कर रही है, ये चार्ज करती है दो सालन दो शेरमाल दो ताफ्तान लेते हुए आ जाना, ये ना वो लस्सी का सामान जिसमें लस्सी देसी तरीके से बनती है, जो आप कह रहे हैं ना ग्राइंडर करना जरूरी है, नहीं ये वाकई इतना जबरदस्त है, मुझे याद है हमारी अम्मी भी जो है ना वो उस तरीके से बनाती थी घर में, हाँ लस्सी, और मैं भी असफर को वो भी दिखा रही थी कि इसको क्या, इसका नाम क्या है जो जिसमें चावल वगैरह वो छाछ, हाँ छाछ,
तो ये तो मेरे ख्याल से डेकोरेशन का है, लेकिन पहले होता था हमारी माँ इस तरीके से जो है ना चावल और बाकी चीजें आज भी करती थी। आज भी इसी तरह होता है, आप इंटीरियर सिन में जाएं, छाछ में गंदम को छाछ करते हैं, उसका रुआ फेंक देते हैं और गंदम का अलग कर देते हैं, चावल गाना भी था ना छाछ में नाचे दाना अनाज का, और पुरानी नहीं गाना है, पाकिस्तानी गाना। सारे मतलब ये ट्रेडिशनल चीजों को मैंने पब्लिक को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हमारी नई जो नसल है उनको नसल पता, उसको पता चले। से अब तो पता ही नहीं, नहीं है। नसल को असल का पता चले। अच्छा, असल में लोग जो है वो मेरे स्टॉल पे आके ना डोली को उठाते हैं। कौन डोली को? डोली को, चलो रे डोली उठाओ, रमजान का महीना। और मुझसे पूछते हैं क्या है, क्या और मैं 10 दफा जवाब देती हूँ कि बेटा पहले इसमें दुल्हनें बिठाई जाती हैं, ये डोली है से चार कहर उठाते थे। अब दोबारा आ गया है, आई थिंक ये ट्रेंड दोबारा आया है, मैंने पंजाब में काफी देखा ये ट्रेंड होना चाहिए। अब तो मोटर बाइक पे दुल्हनें जा रही है, मुनीता की डोली उठाई थी और चारों बैठ गए नीचे। अब तो मोटर बाइक पे मैंने देखा है दुल्हनें जा रही है, एंट्री मोटर बाइक पे हो रही है दुल्हनों की। सही अवार्ड किया तूने मेरी बात। पहले की दुल्हनें रुखसती में होती थी, रोती थी धाड़े मार, अब के दुल्हन रोती नहीं है। मैं कहती थी चेक करके तो बताओ बाबा रजम आउट तो नहीं। अरे नहीं नहीं, दुल्हनें नहीं रोती, अब दूल्हा रोता है बेचारा। वो भी घर के घर का माल बता रही है ना। आप जो उस वक्त आंसू पहुंच रहे थे ना बेगम के फोन के पास, अंदाजा वो उस वक्त छोड़ दो अभी का बताओ। लेकिन नहीं रमशा, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत काम है, और हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह तरक्की का कामयाबी का सफर तय करते रहें। और एक इतनी बड़ी बात है कि एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ इतने अरसे से अकेले काम करना, बिजनेस एस्टैब्लिश करना, बिजनेस को कामयाब करना, और अपने जो आपका जो एक मोटिव था इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का, उस पर आप आज भी डटी हुई हैं और इस तरह के खूबसूरत एग्जीबिशंस कर रही हैं। तालियां रमशा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नहीं, बहुत थैंक यू, आपने हमें बुलाया, हमें मौका दिया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और नफीसा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बरकत अनुजमी, शेफ मुनीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।